अगर इन जंगलों में तेरे को रात निकालनी हो तो फिर हाँ सोच ले। हाँ आएगा तो कोई नहीं, आता तो कोई भी नहीं है कहीं पे। सोच ले इतने घने जंगलों में निकाल सकता है रात? दोस्तों आज का सफ़र आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अभी तो सफ़र कितना है मेरे को भी मालूम नहीं है, मगर तीतर आपको मैं ज़रूर दिखा दूँगा। तीतर क्या, ये काला तीतर बोलते हैं इसको, ये देखो क्या है। कभी आप शिकार पे आओ तो आपको कुछ ना दिखे, और जब आप राइड पे हो देख लो कितना कुछ दिखता है। मोर का तो चलो वो तो उनको मारते ही हैं, देखने लायक हैं वो, मगर तीतर बटेरे बहुत से जानवर हैं जो हमें रास्ते में मिले हैं, जो कुछ कैप्चर हुए कुछ ना हुए, कुछ भाग गए होंगे। ज़्यादा हमको भी अपनी राइड पे ही कंसंट्रेट करना पड़ता है। देख लीजिए ये रास्ता है, इस रास्ते पे आप थोड़ा सा भी आपने आगे पीछे देखा नहीं, आपकी कंसंट्रेशन लूज हुई नहीं, तो आप धड़ाम धड़ाम का मतलब समझते ही हो। बस वही, क्योंकि इन रास्तों पे आपको बड़े ध्यान से आराम से कोई फालतू आगे पीछे आप देख नहीं सकते। पता नहीं किस वक्त कौन सी आफत आ जानी है, पत्थर आ जाएगा, रेत आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगी। ये हम ओ वाओ, शायद मैं उसी जगह पे आके निकला हूँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, ये सीधा रास्ता गया चाटा को और ये गया सीधा बजालता को, और मैं सही उसी जगह पे पहुंचा हूँ आज से 2 महीने पहले का। आप मेरा वीडियो देखो, इस रास्ते के लिए मैंने किसी से पूछा था, मगर ये मालूम नहीं था कि ये रास्ता वहाँ से घूम के यहाँ पे आके निकलता है। और ये सांदी स्टेशन है, ये नीचे आपका बजालता को चलनी चलनी के पास आके निकलेगा। पर ये सांदी जगह से सांदी तो ऊपर चट्ठे ही है ना चड्डा, और जड़ा अपना सुजुआ निकलता रास्ता, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आप मेरी 2 महीने पहले की वीडियो देखोगे तो मैंने यहीं पर किसी को पूछा था, भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है, तो उन्होंने बताया था, मगर इतने नाम याद नहीं रहते क्या है। और ये स्ट्रेच वहाँ से कम सिर्फ 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये, और 4 किलोमीटर का इतना इजी स्ट्रेच नहीं है। अब दोस्तों आगे की ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कौन सी साइड पे कहाँ पे जाऊँ। और जितने भी ये मेन नदी नाले हैं, तो ये सांदी स्टेशन है, तो यहाँ तो बड़े आराम से पहुँच गया हूँ। चलो दोस्तों यहाँ पे प्लान करता हूँ कि आगे अब किस साइड जाना है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ।